झमरेड़े से बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की और कल ही उनका टिकट फाइनल हो गया। बात करेंगे, क्या कहेंगे राजपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं? आज तक तो कांग्रेस कर रहे थे, अब बीजेपी में नए घर में चले गए, क्या कहें? देखिए, ये सब समय इस समय बलवान है और मैं 12 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन उसके बाद मुझे पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया। मेरी 12 साल की मेहनत पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी किया और उनके नेता ने, इसलिए मुझे मजबूरन भारतीय जनता पार्टी का साथ हाथ करना पड़ा। और हमारे जो लोकप्रिय सांसद है आदरणीय श्री डॉक्टर मिशन जी, उनके नेतृत्व में और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में मैंने भारतीय जनता पार्टी को कल ज्वाइन किया था। और जो सर्वे हुआ है विधानसभा झगड़े का, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सर्वे हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कल ग्रहण की थी और पार्टी हाईकमान ने उसको विश्वास जताकर आपसे बात की थी कुछ दिन पहले, यदि आपका टिकट नहीं होता तो क्या स्टेप रहेगा राजपाल? आपने कहा था कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का ही रहूंगा। बिल्कुल, लेकिन क्या करूँ, पार्टी ने मुझे दरकिनार कर दिया काम किया। स्कूटी बारह स्कूटी पे स्कूटी बारह किसी के साथ स्कूटी पर क्या काम करेगा? जिस तरह से आपको टिकट मिला है बीजेपी है, कांग्रेस की बैसा क्यों भी चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ तोड़ कर उनको टिकट दे देंगे बीजेपी की हवा चल रही है। नहीं, बीजेपी पुनः दोबारा फिर सरकार बना रही है और 60 के पार आपके बार यहाँ पर विधायक ये सब के बाद में जनता पार्टी जाएगी। आप दो चुनाव हार चुके हैं, क्या इस बार कमल खिलेगा? निश्चित रूप से इस बार कमल भी खिलेगा और हम जीत करके भी आएंगे। इस तरह का विश्वास जनता का है, जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि मैं 12 साल उनके बीच पर आऊँ करके उनके सुख दुख में उनके कामों में मैं खड़ा रहा हर समय। आशीर्वाद और एक सबसे बड़ी बात जो सहानुभूति है, जो मैं दो बार हारा हूँ कांग्रेस पार्टी की फसल पर, निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देने का काम विधानसभा झगड़े की जनता करेगी।